नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। डंपर व्यवसाय से जुड़े छोटे कारोबारियों ने अपने हक के लिए सरकार और प्रशासन के सामने विभिन्न मुद्दों पर ध्यान देने हेतु उठाई आवाज। मुंबई के उपनगर इलाकों में डंपर कारोबारी आरटीओ और ट्रैफिक विभाग की मनमानी कार्रवाई से काफ़ी परेशान है। डंपर के छोटे कारोबारियों का आरोप है कि बड़ी डंपर कंपनियों के दबाव में छोटे डंपर चालकों पर ओवरलोडिंग के नाम पर कार्रवाई की जा रही है, जो सरासर गलत है। एक ही गाड़ी है जो अनलीगल गाड़ी लोडिंग करता है, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। गाड़ी को ब्रेक नहीं लगता है, कोई बाइक वाला आता तो रुक नहीं पाती गाड़ी, गाड़ी चढ़ा देता है उसके ऊपर। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो बड़े बड़े कॉन्ट्रेक्टर लोग है, ये लोग ओवरलोड करते गाड़ी को, जो कानून के हिसाब से चलने के लिए कोई नहीं करता है। और कानून को कैसा चल रहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग किसी से मदद मांगने जाते हैं तो हमारे ऊपर उल्टा कंटिन्यू केस, ये दूसरा कुछ बताता है। हमको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए कानून के बाद। हमारा मांग क्या है, हमारा मांग बोले तो जो गाड़ी का जो ट्रिप पे चलता है, डीजल चलता है, तो उसके हिसाब से रेट होने चाहिए। तो हमारा मांग है 7,500 रुपये, हम लोग मांग भी रखा है, तो वो हिसाब से चलना चाहिए। और डीजल का रोज भाव बढ़ते जा रहा है, तो इसके लिए अपने को भी तकलीफ बहुत हो रहा है। बड़े जो ट्रांसपोर्टर है उन लोगों से क्या प्रॉब्लम हो रही है? बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर लोग यही करते हैं ना, जो अनलीगल सब चलता है। अभी करोड़ों रुपये का घोटाला हो रहा है, अभी इसमें अपन क्या बोल सकता है? हम लोग तो छोटे आदमी लोग, हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें? अभी आप लोग ने क्या चाहते हैं? हम देखो, सरकार मदद चाहते हैं, हम लोग सरकार कैसे मदद करेंगे? हम छोटा व्यवसायी है, छोटा छोटे काम करता है, छोटे छोटे काम करने के हिसाब से हमको कुछ, हमारा भी पेट चलने के हिसाब से हमारा कुछ होना चाहिए मांग। और जो लेके जाओ, कानूनी लेके जाओ, क्या करना है गाड़ी लेके आप लोग ही झेलो, इसके आगे हम क्या कर सकते हैं? और ऐसा हो गया, पहले तो 100 रुपये का पेनल्टी लगता था, आज सब रोड पे गाड़ी चलती है, फोटो ले लेता है, फोटो ले लेता है। और साहब लोगों को पूछे, भाई फोटो क्यों मारता है? हमारा टारगेट दिया है, हमारे सीनियर साहब ने टारगेट दिया है कि इतना आपको फोटो मारना ही मारना है। और ये पहले चलता था, 100 रुपये का पौधी मारता था, कुछ भी रहता तो समझ में आता था। आज एक एक गाड़ी के ऊपर हमारा लाखों रुपये का फाइन लगता है महीने का, किधर से हम लेके भरेंगे? एक तो कानून हर तरीके से सिर्फ रेट बढ़ा रहा है, हम लोग कमाएंगे ना तो उसको पैसा भरेंगे किधर से? टैक्स और टैक्स हमारा, देखो गाड़ी को नो एंट्री लगा के रखा है पूरा। आप लोगों ने कहीं कंप्लेन किया है? कंप्लेन तो बहुत जगह दिया है, हम लोग उसका कुछ भी उसका रेस्पॉन्स ही नहीं आया अभी तक। अभी गाड़ी समझो 365 दिन का टैक्स लेता है, उसमें नो एंट्री का मतलब क्या है? मतलब 4 घंटा गाड़ी चलाने का और 4 घंटा गाड़ी रुकाने का, और रात में तो गाड़ी नहीं चलाने का बोलता है। 4 घंटे के लिए बोलो कौन इतना पैसा भरेंगे? 23,000 रुपये साल का भरना है, किधर से लेके भरेंगे? और गाड़ी का रेट हो गया 40 लाख रुपया, गाड़ी के ईएमआई भरने नहीं हो रहा है। हमारा गाड़ी ऐसा बैंक वाला तो सब लेके चले गया, मेरे पास 13 गाड़ी था, आज मेरे पास एक ही गाड़ी है, वो भी गाड़ी को 5 हफ्ता नहीं भरा है, वो भी गाड़ी मेरे कभी लेके जाएगा मालूम नहीं है। हम इतना परेशानी में, कानून की तरफ से हमको कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है, और कानून की तरफ से बहुत मदद नहीं मिल रहा है। और बड़े बड़े आदमी लोग तो पहले लेके जाके अनलीगल उनको पैसे दे के, उन लोग तो पहले से उन लोग भाई ये कंडनी केस लगाओ, वो केस लगाओ, ये केस लगाओ करके ये लोग बड़े बड़ा काम करते बेटा है। अब इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? मेरा नाम है दशरथन मुरुगेशन मोदल यार, मैं दहिसर में रहने वाला हूँ, और मेरा है ट्रक डंपर है। क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, आप लोगों को क्या करना चाहिए? ये समस्या ये है, ये जो मीडिया में दिखा रहा है, ये जो हमारा खर्चा है 4,250, और हमारा एक मांग है, रेट का इशू है, 90 रुपये का डीजल का रेट पहुंचा है, लेकिन कोई भी सेटलों का हम लोग बोलता है डीजल का रेट बढ़ने से हम लोग को रेट बढ़ा के दो, लेकिन कम रेट में उन लोगों ने कार्रवाई करता है और काम भी करता है। और कोई भी पुलिस स्टेशन में ऐसा इनसे लिखवाते हैं, उन लोग छोटा छोटा इनसे लिखवाते हैं, और हर जगह पे अनलीगल काम उन लोग नहीं करते बड़े कंपनी, और उन लोग का खिलाफ हम लोग ने ये सब मुद्दा यूनियन का हिसाब से हम लोग ने काम करने के लिए स्टार्ट किया शुरुआत। अभी आप लोग को प्रॉब्लम क्या आ रहा है अभी इस समय, क्या समस्या है इस समय? ये शुरुआत है, एक तो ओवरलोड का भी मुद्दा है और दूसरा रेट का है, ये दोनों मुद्दे पर हम लोग चल रहे हैं। तो अभी किसकी तरफ से आप लोग को प्रॉब्लम रहा है, कौन आप लोग को प्रॉब्लम दे रहा है? जो भी बड़ा कंपनी है, जितना भी बड़ा कंपनी है, 15 गाड़ी 20 गाड़ी जो भी डंपर रखा है, तो उन लोग सब लोग हम लोग तकलीफ दे रहे हैं। और हम लोग ने पाँच बरस का जो भी गाड़ी कर रहा है लोडिंग, और कड़ी में जो डंपर आता है 7 बरस का 8 बरस का गाड़ी आता है, तो वो सबसे बड़ा मुद्दा एक है, हमारा मट्टी गाड़ी का मतलब काम नहीं मिल पा रहा है। बड़ी जो कंपनियां हैं छोटे डंपर वालों को, चालकों को परेशान कर रही है, साफ कारोबार हाँ हर कंपल्सरी। इस संबंध में आप लोग कितने लोग ऐसे पीड़ित हैं पूरे मुंबई?
हम लोग ने ऐसा 50 लोग है ओनर लोग, और हमारा भी एक ओनर ऐसा है, 5 गाड़ी 6 गाड़ी 10 गाड़ी का ओनर हम लोग भी है। क्या चाहते हैं आप प्रशासन से, सरकार से क्या मदद चाहते हैं? सरकार से हमको ये मदद चाहिए कि जो जो ओवरलोड का हफ्ता आर टी ओ में हफ्ता बांध के चलता है बड़ी कंपनी वाला सब, हमारे पास लोन बनने का भी पैसा नहीं आता, जो हम लोग रोड रेट में चल रहा है ना वो रेट पे हमको EMI भरने नहीं होता है, तो इसके कारण हम लोग कहाँ से ओवरलोड का हफ्ता कहाँ से भरेंगे पैसा, ओवरलोड का हफ्ता नहीं भर पाते हम लोग, जब EMI का ही पैसा नहीं कमाते होते तो हम लोग हफ्ता कहाँ से भरेंगे। तो बड़ी कंपनी वाला कैसा है, कम रेट में काम उठा लेता है, बस उसका 10-20 गाड़ी चला वो चलाते रह रहे, हम लोग भाड़े पे चलाने वाले आदमी का गाड़ी को 4,000 2,000 3,200 3,800 ओवर रेट में चलाएंगे तो हम लोग को घर पे कुछ नहीं आएगा। वो भी वो परसों में RTO वाला पकड़ा था, 45,000 का फाइन मारा है, उसके पहले दिन पकड़ा है, अभी समझो 2 दिन में 1,00,000 रुपये फाइन मार दिया था, हम लोग अब तक कहाँ से भरेंगे? ये RTO जो फाइन मार रहा है क्या बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर लोग? उन लोग को नहीं मारता है, उन लोग हफ्ता बांध के चला रहा है गाड़ी, तो हमको अपना EMI नहीं भर पा रहे थे, हम लोग कहाँ से हफ्ता बांधेंगे? ये मुद्दा है कि हम लोग अंडरलोड चलाने के लिए हम लोग रेडी है। वजह से काम बंद है तो कोरोना की वजह से क्या प्रॉब्लम हो रहा है? कोरोना की वजह से काम वैसे भी एक साल तो वैसा निकल गया है, कुछ हम लोग कमा नहीं पाया, बैंक वाला तो अपने को नोटिस पे नोटिस देते जा रहा है, अभी वापस ये समस्या हो गया है कि वापस लॉकडाउन लगा दिया, एक तो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक नो एंट्री है, ये 4 घंटे में हम लोग क्या गाड़ी चलाएंगे, पहली बात कि 4 घंटे में क्या गाड़ी चलाएंगे, एक ट्रिप ज़्यादा करके एक ट्रिप होता है हमारा, नो एंट्री में जाएंगे सीधा फोटो लेके हमको मैसेज आता था कि हाँ भाई तुम्हारा 200 रुपया फाइन है, हमारा 4 गाड़ी है। अगर आप लोग की मांग पूरी हो तो क्या आगे करेंगे? आगे करेंगे हम लोग आत्महत्या करेंगे और क्या करेंगे, जब बैंक वाला अपना घर पे आएंगे तो क्या करेंगे, और कोई रास्ता ही नहीं है ना, हम इतना साल बराबर हफ्ता बांध के गया है, अभी क्या करेंगे, कुछ नहीं, गाड़ी सरेंडर करेंगे फिर आत्महत्या करना पड़ेगा, खाने के लिए पैसा नहीं है तो क्या मतलब है, फिर धंधाई करके मतलब नहीं है ना, हमारा क्या कहने का है, ओवरलोड जो हफ्ता बांध रहा है हफ्ता बांध के चला रहा है, अभी समझो सीधा जो ढंग पे जो जा रहा है उसका जिंदगी नहीं है। मेरा नाम मोहन है। सर्वात मोठा प्रॉब्लम आहे की जेवढे मोठे ट्रान्सपोर्टर आहेत जे माती वाहतूक करतात, बिल्डर लोकांचे खड्डे मारतात, हे या लोकांची या लाईनमध्ये खूप मोठी मोनोपॉली आहे, हे लोक काय करतात, त्यांच्या खूप लॉऱ्या आहेत, जास्त प्रमाणात लॉऱ्या आहेत, ते RTOमध्ये हप्ता भरून गाड्या चालवतात, एका गाडीचा 2 गाड्यांचा माल एका गाडीत घेऊन जातात, त्यामुळे त्यांना गाड्या चालवणं पैसे कमावणं परवडते कमावतात, पण आमच्या गाड्या आम्ही ओवरलोड भरत नाही, आणि तरी हे लोक जाणून बुजून आमच्या गाडीत ओवरलोड टाकतात, आम्हाला धंदा नसल्यामुळं आम्हाला नाईलाजानं त्यांच्याकडे जावं लागतं, पण हे लोक काय करतात आमच्या गाड्या एकदम अशा भरतात की गाडी जर पकडली तर 80-90 हजाराचा फाईन येतो, तर अशा परिस्थितीत आमचं जगणं असं झालं, गाडी भरली तर ओवरलोडवाला आणि हे लोक पण पैसे कमी देतात आम्हाला, तर त्यामुळं आम्हाला धंदा बिलकुल परवडणार बिलकुल परवडत नाही, आणि या कोविडच्यामुळं तर आमच्या गाड्या पण बऱ्याच आमच्या मित्रांच्या गाड्या जमा झाल्या बँकेमध्ये, अशा स्थितीत तर अगोदर तर गव्हर्नमेंटनं ओवरलोड बंद करायला पाहिजे की त्यामुळं हे जे मोठे ट्रान्सपोर्टर आहे हे आपल्या जागेवर येतील, त्यांनी ते नियमाला चालतील आम्ही नियमाला चालेल, तेव्हा कुठं ह्या लाईनमधली मोनोपॉली संपणार आहे, जोपर्यंत ओवरलोड मागणी काय ओवरलोड बंद व्हायला पाहिजे, पहिले तर ओवरलोड बंद झाला पाहिजे, आणि जे आता म्हणजे 5 वर्ष अगोदर जे डिझेलचे भाव होते 55-60 ते मोदी सरकारनं बिलकुल या 3 महिन्यात 90 रुपयावर नेऊन ठेवलं, तर अशा स्थितीत ट्रान्सपोर्टसाठी येणारा खर्च हा 1.5 पट वाढला, पण आम्हाला जे ट्रीप मागं पैसे मिळतात ते आम्हाला जे 5 वर्ष अगोदर मिळत होते तेच मिळतात, अशा परिस्थितीत हा धंदा नकोसा झाला, तर आमच्या याच्यामध्ये रेट वाढले पाहिजे प्रत्येक ट्रीप मागे आणि ओवरलोड बंद झाला पाहिजे, तेव्हाच आमचा हा धंदा वाचेल। जो RTO डिपार्टमेंटने मतलब जो 7 टन भर के जात जो 7 टन 50 टन भर के जाता है वो गाड़ियाँ छोड़ता है, जो मतलब 5 टन 4 टन 2 टन आता है वो गाड़ी को मतलब कमिश्नर भी आके पकड़ रहा है BN यादव साहब ने, तो इस तरीके मतलब BN यादव साहब ने मतलब 6 घंटा रुका के मतलब हम लोग का गाड़ी रुकाता है, हमारा गाड़ी पकड़ने गए और BN यादव साहब को बोला, तो इस तरह का बड़ा कंपनी चल रहा है बड़े बड़े गाड़ियाँ चल रहा है वो क्यों नहीं कार्रवाई करता है? नहीं नहीं उसके बारे में आपको बोलने का कोई राइट्स नहीं है, उसके बारे में कुछ बोलने का नहीं है, आपका गाड़ी पे हम कार्रवाई करना हमारा काम है, हमने किया
आपको इसका खिलाफ जो भी करना है कार्रवाई आप बिंदास कर जी। तो क्या इसमें जो बड़े ट्रांसपोर्टर है, डंपर मालिक है, वो ये सब करवा रहे क्या? ऐसा लगता है क्या? उन लोग का मुद्दे पे तो ये सब आ रहा है। अगर हजारों गाड़ी है और एक गाड़ी मतलब 18,000-20,000 ओवरलोड का हफ्ता भरता है, एक कई करोड़ का घोटाला है उसका भाई। और वो मुद्दे में मतलब हम लोग छोटे छोटे लोग मर रहे हैं। हम लोग को जो 28 टन का गाड़ी है, 28 टन ही हमको माल भरना है, तो हमको आधा टन एक टन कम भी भर के दिया चलेगा, हमको एक्स्ट्रा नहीं भरने का है। तो एक्स्ट्रा भरने से मतलब हमारा गाड़ी को भी तकलीफ होता है, लोगों को भी तकलीफ होता है और बाइक वाला गिरता है, एक्सीडेंट होता है, ये बहुत सारा से ये पब्लिक का सेवा के लिए मतलब अपन गाड़ी लेकर रखा ऐसा समझ नहीं आप लोग को ओवरलोडिंग नहीं करना है? नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करने का। और रेट बढ़ा कैसे?